बाबू घर फोन कर लो, मम्मी बार बार फोन कर रही है। तुम कर लो। गुड मॉर्निंग, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? हर्षित, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हेलो, ओके, चलिए शुरू करते हैं और लोग ज्वाइन कर लेंगे, टाइम हो गया है। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर को देखा था कि वो किस चीज की बनी होती है। वो बनी होती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस की, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं और वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन से भी 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसकी वेव इक्वेशन लिख ली, जिसमें ओमेगा क्या है, वेव नंबर क्या है, ई नॉट और बी नॉट का आपस में रिलेशनशिप क्या है। हमने ये सब चीजें कल देखी। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस पे हमने काफी समय लगा दिया था, तो अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पता चला तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने कहा कि भाई जो वेव्स हैं वो किसी मीडियम के बिना कैसे जा सकती। उनको इस चीज पर विश्वास नहीं था कि बिना मीडियम के भी वेव्स जा सकती, क्योंकि साउंड वेव्स और बाकी जितनी वेव्स थी उनमें एक मीडियम था और मीडियम की जो इलास्टिसिटी थी वही इस वेव को आगे बढ़ने के लिए मदद करती थी। अगर इलास्टिसिटी नहीं है तो भाई आगे कैसे बढ़ेगी, ऐसा ये सोचते थे। तो एक माना गया कि पूरा स्पेस एक मीडियम से भरा हुआ है जिसको कि ईथर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ईथर है इसको ईथर बोलते हैं। इसके दो स्पेलिंग्स हैं, आपको किसी बुक में ये स्पेलिंग दिखाई देंगे, किसी में ये स्पेलिंग भी दिखाई देंगे, AETHER। तो ये इसको ईथर बोलते हैं। तो ईथर को एक मीडियम माना गया जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट करती हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक बार माइकलसन मॉर्ले ने इसको प्रूव करना चाहा कि ईथर एग्जिस्ट करता है। ये दो साइंटिस्ट ने एक बहुत एलैबोरेट एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और ये प्रूव करना चाहते थे कि ईथर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उससे एक्चुअली ये प्रूव हो गया कि ईथर नहीं होता है। ओके, तो ये चीज माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट से जो एक नेगेटिव रिजल्ट आने से ये प्रूव हो गया कि ईथर नहीं होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लेन स्पेस में बिना किसी मीडियम के ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई बिना मीडियम के भी ये ट्रेवल कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑल्सो ट्रेवल इन अ मीडियम? Can somebody answer that simple question? महिमा आप बताइए, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस में तो कर ही सकते हैं, क्या मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं? महिमा, वाइब्रेशन के द्वारा? हाँ, तो मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं, राइट? तो एक एग्जाम्पल बताइए ऐसा मीडियम जिसमें आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेवल करता हो, आपको मालूम हो।
जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप जानते हैं ट्रेवल करते हैं, ऐसा मीडियम। तो ऐसा मीडियम एक तो एयर है जिसमें हम देखते ही हैं सब तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंक्लूडिंग लाइट उसमें ट्रेवल करते हैं, ग्लास में लाइट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। जो एक्सरेज हैं वो तो हमारी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, तो मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और हम ये जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड स्पेस में है, स्पेस में लाइट की स्पीड होती है c, जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली इससे थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो जब वो किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो जो हमारी सी स्पीड स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला था वो क्या था, हमारा सी वॉज इक्वल टू 1/μ0ε0, राइट, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और परमिटिविटी का अंडर रूट, ये हमारा सी का फॉर्मूला था। अगर वो हम मीडियम में है तो ये परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम हो गया और ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गया, ठीक है। और ये हमारी स्पीड आ गई लाइट की इन द मीडियम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला रहता है, बस फ्री स्पेस की जगह मीडियम का, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि जब इतनी बार शुरू में तो लाइट की स्पीड ही मेजर करना बहुत मुश्किल काम था, ठीक है, इतनी फास्ट चीज जो ट्रेवल करती है उसको मेजर करना आसान नहीं था। फिर धीरे 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो आपको पता ही है, काफी पहले से पढ़ते आ रहे, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ही स्पीड विच इज इक्वल टू सी, और सी की वैल्यू बहुत एक्यूरेटली एक्चुअली मेजर की गई है, ठीक है, जो और भी डेसिमल प्लेसेस तक है। तो ये जो है जिसको हम रफली 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल देते हैं, बट दिस इज द वैल्यू, इन कैलकुलेशंस वी डोंट यूज दिस वैल्यू। तो इसको यूज कर लेंथ को डिफाइन करा जाता है आजकल। तो अगर किसी को बताना है कि एक मीटर क्या होता है, ठीक है, तो वो उसको स्पीड के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। सो इट इज 1 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन दीज मेनी सेकेंड्स, 1/स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड्स, ओके, बिकॉज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो हमने डिस्टेंस को निकाल लिया कि अगर एक सेकेंड वन, तो अब हमें डिस्टेंस को करना है 1 मीटर, राइट, तो वो कितने टाइम में 1 मीटर चलेगा, 1/स्पीड टाइम में, सॉरी आई शुड एक्चुअली से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हमने इसको 1 मीटर कर दिया तो हमें स्पीड यहाँ पे आ गई, तो ये 1/स्पीड ऑफ लाइट, इतने सेकेंड में जितनी लाइट चलेगी वो 1 मीटर है। तो हमने ये ऐसा क्यों किया, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने ऐसा क्यों किया। हमें पता है कि जो डिस्टेंस है यानी कि जो लेंथ है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, और टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है, और स्पीड तो डिराइव्ड यूनिट है। अब हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम जो है एक डिराइव्ड यूनिट के बेसिस पर फंडामेंटल यूनिट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि जो डिस्टेंस है यानी जो लेंथ है जो मीटर में हम मेजर करते हैं, आज के डेट में उसका जो पहले डेफिनेशन बनाया गया था वो एक रॉड रखी हुई थी इन द पेरिस एसआई सेंटर, ठीक है, जिसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने कहा कि ये 1 मीटर की, उसका और कोई लॉजिक नहीं है, बस हमने उसको कहा कि ये 1 मीटर की।
लेकिन अब इस चीज को रिप्रोड्यूस करना हर जगह आसान नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा कि भाई ऑल्दो डेफिनेशन आज भी वही है, लेकिन हम इस तरीके से हर जगह एक्यूरेट मीटर को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और लेकिन हम जो टाइम है उसको एटॉमिक क्लॉक से एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट जिसको कि हम सी कहते हैं, उसकी वैल्यू एक्यूरेटली नोन है। एक्सक्यूज मी सर, या आपने जो बताया कि हमने पेरिस में वो रॉड ली एंड जस्ट उसको 1 meter डिनोट किया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वही 1 meter ये जो लाइट ने इतने टाइम में 3×10^8 seconds में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये दोनों चीजें इक्वल क्यों हुई? क्योंकि वहां तो सिर्फ रेंडमली उन्होंने रॉड ली। हाँ तो ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए क्या है कि पहले हमने मीटर को आर्बिट्रेरिली डिफाइन कर दिया कि ये रॉड ये एक मीटर है, ठीक है। आज भी वही रॉड एक मीटर है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने उसी, देखिए जो स्पीड मेजर की, हमने ये स्पीड मेजर भी उसी रॉड को स्टैंडर्ड मान के की है, राइट। अब वो करने के बाद एक बार हमने वो कर लिया, अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये मीटर रॉड तो एक ही है, अब इसके जैसे मीटर रॉड्स बना के हम दुनिया में हर जगह रखें, हर एक देश में हर एक शहर में, और उससे कंपेयर करें, और ये सब जो मटेरियल्स हैं ये सब्जेक्टेड टू लॉट ऑफ थिंग्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, जो उसका कॉम्पोजिशन है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है लेंथ, तो इसको रिप्रोड्यूस करना मुश्किल है। तो क्या किया गया कि इसी मीटर को हमने कैलिब्रेट कर लिया स्पीड ऑफ लाइट और टाइम में। टाइम किससे मेजर करते हैं आज? एटॉमिक क्लॉक से। वो तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे ग्रेविटी अलग हो, चाहे प्रेशर अलग हो, चाहे टेम्परेचर अलग हो, एटॉमिक क्लॉक एक ही स्पीड पे काम करती रहती है। और स्पीड ऑफ लाइट भी इनमें से किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है जब वो वैक्यूम में होती है। तो स्पेस में ये भी हमारे पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई, ये भी हमने बैक कैलकुलेट कर लिया है, हमने उसको जबरदस्ती उसके बराबर बनाया है, ठीक है ना। लेकिन अब वो बना लिया तो हम उसको बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर, गॉट इट। ओके, वंडरफुल, ठीक है। अब हम एक बार क्विकली ये देख लेते हैं कि ये डिस्टरबेंसेस एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होंगे, इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लेकिन आपको ये तो लगेगा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम नॉर्मली तो क्या देखते हैं कि लाइट हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे हम रेगुलरली डील करते हैं, और वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम कभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करते नहीं है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं ये समझने के, हम क्या करते हैं कि एक सर्किट ले लेते हैं मान, ठीक है। उस सर्किट में एक हमने वेरिंग सोर्स लगा दिया, अब ये वाला पोर्शन है हमारे पास सर्किट का, इसमें जो है करंट कभी इस डायरेक्शन में जाता है कभी इस डायरेक्शन में, इन साइडोसाइडल वे, राइट, बिकॉज देयर इज अ एसी करंट फ्लोइंग। तो अब ये जो करंट बढ़ घट रहा है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द वायर, इट इज प्रोड्यूसिंग अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो कभी ऊपर की तरफ जाती है कभी नीचे की तरफ जाती है। और अगर हम इसको टाइम में प्लॉट करें, ठीक है, तो वो एक साइनोसॉइडल वेव बनती है, राइट। ये चीज हमने इससे पहले चैप्टर में एसी करंट में देखी है। अब क्या होगा जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इसमें करंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि जो चार्जेस हैं वो एक्सेलरेट हो रहे हैं उस समय, इसीलिए करंट बढ़ रहा है। तो बढ़ता हुआ करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा,
और हम जो है जो हमारा राइट हैंड थंब स्क्रू रूल होता है कि वी रैप आवर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। और आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के अंदर और बाहर आएगी जाएगी इस केस, ठीक है, जिसको कि हम ड्रॉ करने के लिए इस तरह कर लेते हैं। चलिए ड्रॉ, तो जब जैसे करंट तेजी से बढ़ेगा, जैसे इस तरफ देखिए स्लोप बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी इस एक्सिस में बढ़ेगी। ओके सॉरी, यहां पर, और जब ये नेगेटिव में जाएगा तो वो भी दूसरी साइड में ऐसे नेगेटिव में जाएगी। ओके तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा दिया, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और जब ये डिस्टरबेंस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, ये फील्ड तो स्पीड ऑफ लाइट से इधर बढ़ेगी क्योंकि फील्ड की स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो जो फेज अभी यहां जनरेट हुआ था वो थोड़ी देर बाद आगे आ जाएगा, तो ये वाली वे उसी तरीके से दूसरे वाला आगे आ जाएगा, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ये वाली वेव जो है ये आगे चली गई और साथ में ही मैग्नेटिक वेव भी आगे चली गई। ओके इस तरह से, तो ये आप, ये एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, ये वाली एट टाइम t इज इक्वल टू लेट्स से t1 है, तो ये वेव आगे बढ़ गई। और इसी तरीके से ये, हाँ ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करा वो जस्ट अपोजिट इसीलिए ड्रॉ करा ना, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। हाँ, और वो परपेंडिकुलर होते हैं ये चीज हमें पहले से पता है, राइट? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जनरेटिंग व्हेन द अ करंट फ्लोज, राइट, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन, है ना, तो उसी बेसिस पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके ओके चलिए। ओके तो अब आपने ये भी समझ लिया कि ये जो फील्ड है ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, राइट? तो वो फील्ड आगे बढ़ जाती है और उसकी तो पूरा वेव फ्रंट आगे बढ़ जाता है, इस तरीके से पूरी जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है, ठीक है? तो ये तो हमें समझ आता है नियर द सोर्स, हम इसको इस तरह से समझते हैं, राइट? लेकिन हम इसका, अगर मान लीजिए हम सब सोर्स की दृष्टि से ना देखें, केवल ये देखें कि ये जो वेव्स हैं ये स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि देयर आर इलेक्ट्रिक एंड वेरिंग इलेक्ट्रिकल एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and we know that change in electric field generates a magnetic field, we also know that change in magnetic field generates electric field, so they are able to mutually support each other, so jo electric field ka change hai wo magnetic field ko nirantar banata rehta hai aur jo magnetic field ka change hai wo electric field ko nirantar banata rehta hai, ठीक है? इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो स्पेस में सस्टेन होती है। तो अगर पूछा गया नियर द कंडक्टर तो आप ऐसे समझा सकते हैं, और अगर पूछा गया कि स्पेस में कैसे जाती है तो आप दूसरे तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है? दोनों एक ही चीज के अलग तरह के एक्सप्लेनेशन। ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि हमने कहा कि ऑसिलेटर लगा दिया और इससे जो है हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर ली, लेकिन हम क्या लाइट को इस तरह प्रोड्यूस करते हैं? एक्चुअली हम तो लाइट को कभी भी इस तरह प्रोड्यूस नहीं करते। ओके उसका रीजन ये है कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और
कोई भी हमारे पास आज की डेट में इलेक्ट्रिक सर्किट्स नहीं होते जो उस फ्रीक्वेंसी पे चले। इसलिए हम इस मेथड से जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, इससे हम लाइट वेव्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, जो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे रेडियो वेव्स मान लीजिए, ओके, ऐसी वेव्स को हम डेफिनेटली इस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि साइंटिस्ट हर्ट्ज ने किया था, और उसने ये भी प्रूव किया उसके बाद कि वो जो है डिफ्रेक्ट की जा सकती है, रिफ्रेक्ट की जा सकती है और पोलराइज की जा सकती है। ठीक है, आपको रिफ्रेक्शन तो पता ही है कि बेंडिंग व्हेन इट चेंजेस द मीडियम, पोलराइजेशन आपको जो है शायद ना ज्यादा पता हो इसके बारे में फिलहाल, और डिफ्रेक्शन हम ये जो सब चीजें जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे आफ्टर योर दीज एग्जाम्स उस समय हम ये सब कवर करेंगे, बट दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट वॉज ऑलरेडी नोन एंड हर्ट्ज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो भी बिल्कुल लाइट की तरह ही बिहेव करती है। नॉट ओनली दैट, वॉट ही डिड वॉज दैट ही जनरेटेड दोज एंड देन ही रिफ्लेक्टेड दोज एंड बाय दैट ही क्रिएटेड स्टेशनरी वेव्स। आपने साउंड में पढ़ा है कि स्टेशनरी वेव्स कब जनरेट होती है, राइट? तो जब उनका जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होती है वो रीएनफोर्स करती है आने वाली वेव्स को, तो स्टेशनरी वेव्स जनरेट हो जाती है। तो तब रादर देन द वेव मूविंग इन वन डायरेक्शन देयर इज अ ऑल द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स बट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो अगर आपको याद हो जैसे एक बंधा हुआ स्ट्रिंग होता है उसको हम ऐसे प्लक करते हैं और छोड़ देते हैं तो वो एक ऐसा पैटर्न बना देता है। अब ये वेव कहीं आगे जा नहीं रही है, बस ऊपर नीचे वहीं हो रही है, उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। तो उसने रिफ्लेक्ट करके स्टैंडिंग वेव्स बना लिए या स्टेशनरी वेव्स बना लिए, स्टैंडिंग एंड स्टेशनरी सेम। ठीक है, और उनके सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करके उसने उनका लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। अब उसको लैम्डा पता चल गया, फ्रीक्वेंसी तो उसको ऑसिलेटर से पहले ही पता थी, ही कुड कैलकुलेट देयर वेलोसिटी विद रीजनेबल एक्यूरेसी एंड ही फाउंड दैट इट वाज एग्जैक्टली द सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। Now there is another concept that you have to know, you don't have to derive it, you only have to know it, that the electrical energy density, right? This we already know, right? Electrical energy density kitna hota hai kisi bhi field ki wajah se? Epsilon naught permitting, this we are talking about in free space, epsilon naught into E square by 2. सिमिलरली मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है बी स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हम पहले कर चुके हैं, ये एनर्जी डेंसिटी है, ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके बेसिस से हमें ये पता चलता है कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है तो देर इज एनर्जी इन द लाइट। ओके, और अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे करके जा रही है, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग इन दिस डायरेक्शन, अगर यहां पे एक बहुत छोटा सा चार्ज हम रखते हैं, वेरी वेरी लाइट चार्ज, ओके, सो वी विल फाइंड दैट द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अप एंड डाउन। ओके, बिकॉज जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वो ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक चार्ज को एनर्जी भी दे सकती है और मोमेंटम भी दे सकती है, राइट? बिकॉज इट इज मूविंग, इट विल गेट काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। सो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक वेव्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनमें मोमेंटम भी है और एनर्जी भी।
तभी तो वो उसको चार्ज को दे पाती। Can you please explain that again? Yes, sure. तो देखिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, राइट? अब मान के चलिए कि इसके पाथ में हमने एक बहुत छोटा सा चार्ज रख दिया, वेरी वेरी लाइट चार्ज, ओके? तो क्या होगा कि ये जो फील्ड है, अगर फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, तो इट विल मूव अलोंग द फील्ड, राइट? और एट द सेम टाइम अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मूविंग चार्ज जैसे ही वो हो जाएगा, इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज ऑफ द मूविंग मैग्नेटिक फील्ड। देन सर व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन? सो सी ऑल्दो दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स पाथ इट विल टेक, बट लेट्स सी, राइट? व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, राइट, दिस क्यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अप एंड द क्यू इज पॉजिटिव, इट विल experience a force in the upward direction. So the charge will start to rise up. Okay, as soon as it rises up, right, there is a magnetic field in this direction, right? And yes, its sir. Movement is perpendicular to the magnetic field. It will also experience a force because of the magnetic field. Right? Yeah, sir. So, where will be that force? That will be perpendicular to its velocity as well as the magnetic field. Right? So, it will be in this direction. So, would it create a projectile path? It will not create a projectile path. Because, see, it will try to go like this, right? It will try to go like this. Okay? But, when the electric field comes down, it will come in this direction towards the bottom, right? And when it comes down, okay, then the magnetic field is actually in the opposite direction, right? So it will again be propelled towards the direction of propagation of light of the electromagnetic field, right? So it will move along the electromagnetic wave because of energy or the force coming from both the electric field and the magnetic field. Okay, but it will not be a straight path. It will, but I am not sure if it will be a pure helical. It will not be a pure helical because both the fields are changing. Right? If you remember, if there was a, let's say this was the magnetic field coming out of the paper, right? And there is a charge that tries to travel like this, it will go in a circular motion, right? Yeah. When it is a uniform field. And at the same time, let's say there is an electric field also in some direction, right? Okay, so yeah, let's say the electric field is in this direction, okay? Then what will happen is that the electric field will push it towards the, it will go towards the electric field also, right? And so it can generate different type of paths depending on the direction of the electric field. So if the electric field is is perpendicular to the velocity as well as to this, to the magnetic field, it will go something like this, okay? But if the electric field is also in the direction of the magnetic field, then it will go in a helical path like this. Yeah. So, but here both the things are also changing, right? So it will not be a pure path like this. Okay. So what will be the exact trajectory? I have never calculated. Okay. But it will move with this. Okay. Okay. Now, electromagnetic waves exert pressure. Okay, so this sounds very strange, but this is true, right? That the radiations, because if they have energy and momentum, they will also exert pressure. Okay, and
there was a experiment conducted by Nicholas and her, and they measured this. Okay, and the assumption they made there was that the entire radiations are being absorbed, okay, which will be a case in the case of a black body. Okay, so there the momentum, which is denoted by P, is equal to the energy carried by the waves by speed. Okay, so energy by speed is momentum. Okay, there is no factor of half here, otherwise the kinetic energy by speed into two is momentum, right? But that is not there because of the relativistic principles. Okay, but you can see that it is the, like, you know that E is equal to mc square, right? Not half mc square. Okay, this factor of half is not there because of relativistic concepts. Now, the electromagnetic waves, we said that we characterize the electromagnetic waves based on two things, right? One was what? Lambda. And one was its frequency. Okay, so wavelength and frequency. And we also know that their speed is constant, so they have an inverse proportionality. So if the wavelength is higher, the frequency is lesser, and vice versa. Okay, so now we can have electromagnetic waves of varying wavelengths and frequencies, and if we put them together onto a scale. Okay, so for example, in this scale, there is a descending order of frequency here. Okay, so this is high frequency and this is very, very low frequency. Okay, so similarly, the wavelengths here are very short wavelengths and these are long wavelengths. Okay, if we take a product of the values on either side at any point of time, we will get C, right? So this is the way we depict the spectrum. It is laying of all the wavelengths of frequencies next to each other. Okay, now based on the frequencies of wavelength, we see it either ways, right? We categorize our electromagnetic waves. Okay, so you can see here at a very, very high level that the ones which are low frequency and long wavelength, okay, the lowest spectrum. Okay, forget about this. This is just an enlargement of this small. Excuse me, sir. Huh. Sir, can we draw a graph of these rays, such as gamma rays, UV rays, like that? As in graph means? Means as we draw a graph of EM rays, then can we draw also a graph of these type of rays? Yeah, the graph will exactly be the same. See, the graph is exactly the same. Okay. The graph will be this only. Okay, there is no. Okay, but sir, in that region where two type of rays are there, then the graph would be same. Oh, okay. So let's try to draw two different waves. Okay, on the same graph. Okay. So just to make it easy, I will only draw the electrical component. Okay. So. Okay. Let's say these are the radio waves. This is the electrical component, which is denoted by E naught sine kz minus omega t, right? So this is E naught. Now let's assume the other waves also have the same amplitude. Now, what I will do is I will draw, let's say this was the radio wave. Now with the red color, I will draw, let's say, the visible light. Okay, so the visible light will look something like this. Okay,
Now let's say we with the green color, let's draw the x-rays, right? So x-rays will look like this. Means their way of moving is same, but the only difference is of their wavelength. Yes, so the wavelength is becoming smaller and smaller. Obviously, this is not to the scale, in the sense that, you know, it's not that the visible light is roughly half, right? It's millions of times smaller wavelength. But you see that it is this exactly the same type of graph, but the frequency and wavelength is changing. And if we were trying to draw the, you know, the magnetic field also, then it will be drawn in the similar way. Just that the graph will look very cluttered for us to see. Okay. आपको ये समझ आ गया ना? अभी हम एक broadly देख लेते हैं कि क्या है जो काफी low frequency यानी कि long wavelength की waves होती हैं, वो होती हैं यहाँ पर, ठीक है? ये होती हैं radio waves. ओके जो हम ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल भेजने के लिए यूज करते हैं. ओके तो सिग्नल भेजने के लिए चाहे टीवी का सिग्नल हो, चाहे एएम हो, एफएम हो, रेडियो हो, सब इन्हीं वेव्स के जरिए यूज होता है लो फ्रीक्वेंसी. फिर उससे थोड़ी हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स. ओके सो माइक्रोवेव्स आर type of radio waves only. They are just distinguished because they have a slightly higher frequency. Okay, so ये जो होती हैं microwaves, ये communication में भी use होती हैं. Okay, और ये उसके अलावा we know microwave cooker में भी use, the microwave oven में भी use होती हैं, right? So these are microwaves. Cellular communication में भी microwaves use होती हैं, radio waves भी use. फिर उसके ऊपर आ जाता है एक छोटा सा बैंड जिसको हम बोलते हैं आईआर, राइट? इंफ्रारेड. वी नो दैट वेयर इंफ्रारेड इज यूज्ड. ओके इट इज लोअर फ्रीक्वेंसी देन द रेड लाइट. उसके बाद एक छोटा सा बैंड आता है और ये होता है विजिबल लाइट का बैंड. ओके ये एक्चुअली बहुत छोटा सा बैंड है, इसकी रेंज बहुत ही कम है, केवल 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, बहुत छोटी सी रेंज है, डबल का भी फर्क नहीं है लोएस्ट और अपर लिमिट में, राइट? इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल बैंड. दिस इज व्हाट आर आईज आर सेंसिटिव टू एंड वी कॉल दिस लाइट. तो जो वर्ड लाइट है वो केवल इसी बैंड के लिए यूज होता है एंड इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. उसके ऊपर आ जाती है यूवी लाइट. यूवी के बारे में हम बहुत सुनते हैं, ठीक है ना, कि दे आर हाई एनर्जी रेडिएशंस, दे कैन हार्म अस, दे कैन कॉज कैंसर एंड सो ऑन. ओके एंड दे आर आल्सो हैव लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव यूजेस. तो वो आ जाती है अल्ट्रा वायलेट रेस. ओके तो आप ये देखेंगे कि जबकि वायलेट, ये वायलेट नहीं है और ये रेड नहीं है, ये विजिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वायलेट के पास है इसको हमने अल्ट्रा वायलेट कह दिया, हायर फ्रिक्वेंसी देन वायलेट, और इसको इंफ्रारेड कह दिया, लोअर फ्रीक्वेंसी देन रेड. ओके फिर उसके ऊपर एक काफी बड़ा स्पेक्ट्रम आता है एक्सरेज का, और एवरीबॉडी नो व्हाट अ एक्सरे इज. ओके दे आर वेरी वेरी हाई एनर्जी रेज, और सबसे हाई एनर्जी रेज होती हैं गामा, जो कि आपने पढ़ा ही होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में. Yes, sir. राइट तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बस थियरी थोड़ा सा देखेंगे इन सब वेव्स के जो सेगमेंट्स हैं, ठीक है, इनके बारे में कि ये किस रेंज से किस रेंज तक होते हैं और इनके क्या यूजेस होते हैं. बस ये एक थियोरिटिकल पार्ट बचा है हमारा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये आसान चैप्टर है बहुत ज्यादा. आपको जो है इससे पहले चैप्टर की हाँ जरूर ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ये चैप्टर तो आसान है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए सर. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर विल यू टेक सम क्लासेस फॉर रिवीजन ऑफ दीस चैप्टर्स व्हिच आर कमिंग इन यूटी? यस आई विल. देयर विल बी स्टिल आई थिंक कपल ऑफ क्लासेस लेफ्ट, तो उसमें मैं आपका रिवीजन करा दूंगा. ओके सर. ठीक है, लेकिन आप थोड़ा इतने समय में खुद भी करके देखिए ताकि
you know, otherwise you will be very close to the exams.